सीएए पर अमित शाहनु संबोधन। सीएए अने तेना अमलीकरणनी माहिती आपवामां आवी रही छे। जे सीएए लागू करवामां आव्यो छे तेनी माहिती अमित शाह संबोधन द्वारा आपी रह्या छे। तो सीएए अने तेना अमलीकरणनी माहिती आपवामां आवी रही छे। तो सीएए जे कायदो लागू करवामां आव्यो छे तेने लईने अमित शाह संबोधन मार्फते लोकोने माहिती आपी रह्या छे। सीएए पर तेना अमलीकरणनी तेवो माहिती आपी रह्या छे। पहले कोविड के कारण और बाकी सारे पॉलिटिकल इश्यूज के कारण लेट हुआ, मगर कब से नागरिकता मिलेगी तो 2014 के पहले से। वो थंब रूल वही का वही है, आज क्या फर्क पड़ गया है बताइए? कोई फर्क नहीं पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को के लिए ये पॉलिटिकल गेन का मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए करोड़ों शरणार्थियों को उनका अधिकार देने का मुद्दा है, उनकी वेदना से मुक्ति दिलाने का मुद्दा है और उनकी तीन पीढ़ी को न्याय देने का मुद्दा है, जो कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दिया। आप कह रहे हैं करोड़ों लोग यहाँ आएंगे लेकिन ये पॉलिटिकल नहीं है, मतलब आपको कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं होगा, लेकिन जो विपक्ष है वो कहती है कि आप एक नया वोट बैंक बना रहे हैं, बीजेपी एक नया वोट बैंक बना रही है अपने लिए। देखिए, विपक्ष को और कोई काम नहीं, उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को भी बताया कि आपका पॉलिटिकल फायदा है, तो क्या हम टेररिज्म पर कदम न उठाए? इन्होंने 370 को भी बताया कि आपके पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हैं। हम 1950 से कह रहे हैं कि हम 370 को हटाएंगे। उनका हिस्ट्री है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी का हिस्ट्री है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है, वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होनी है। 2019 में आपने ANI को इंटरव्यू में कहा था कि जो हिंसा हुई थी उस वक्त सीए के कारण जो हिंसा हुई थी उस वक्त आपने कहा था एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है और वो आप दूर नहीं कर पाए उस डिसइंफॉर्मेशन को, मिसइंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन जो भी। इस बार क्या पार्टी जो है या सरकार जो है उसको अलग कर पाई है? सुनीता जी, दरमियान में मैंने कहा 41 टाइम, 41 बार अलग अलग मंचों से इसके बारे में मैंने डिटेल बात करी है कि इस देश के अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ तीन देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी, जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है, जिससे इनके जीवन की वेदनाओं को हम कम कर पाए। मैं बाकी रिलीजन्स के बारे में बाद में आती हूँ, पहले मुसलमान समुदाय के बारे में बात करते हैं, क्योंकि चाहे उवैसी साहब हों, चाहे ममता बनर्जी हों, और फिर बहुत से विदेशी मीडिया जो है वो भी कह रही है इट्स एन एंटी मुस्लिम लॉ बिकॉज आप मुसलमानों को नहीं शामिल कर रहे हैं, तो वो क्राइटेरिया ही है कि मुसलमान नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है, आप इस लॉ को आइसोलेशन में नहीं दे सकते। इस देश का एक इतिहास है, 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया, देश तीन हिस्सों में बट गया, वो बैकग्राउंड है। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजन का विरोध किया, हम कभी सहमत नहीं थे। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था, मगर उस वक्त किया गया। जब धर्म के आधार पर आप विभाजन करते हो और वहां जो अल्पसंख्यक है उस उन लोगों पर ढेर सारे अत्याचार हो, धर्म परिवर्तन कराए जाए, इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए, वो माँ बहन बेटी के लिए वो शरण में आए भारत की, तो क्या उसको यहाँ नागरिकता का अधिकार नहीं है? और स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने आजादी के वक्त सैकड़ों भाषणों में कहा है कि अभी मारकाट चल रही है, अभी जहां है वहां रह जाइए, बाद में जब कभी भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है। परंतु बाद में इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स चालू है,
वोट बैंक की राजनीति चालू हुई। एपीसमेंट के कारण वो वादा कांग्रेस पार्टी ने कभी पूरा नहीं किया जो आज नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। सर, जो बाकी समुदाय, बाकी जो रिलीजन्स हैं, चाहे हिंदूज हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, उन सबको तो मैं मानती हूँ, ठीक है, दे वर रिलीजन्स बॉर्न इन इंडिया। आंकड़े पारसी और अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं, उन वो जो रिलीजन्स है दे वर नॉट बॉर्न इन इंडिया, तो अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं तो मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, मुस्लिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा भारत का भाग नहीं है। वो भूमि इसीलिए दे दी गई थी, फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो। भारत कहां बचता है? अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है उसको शरण देना, मैं मानता हूं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और स्मिता जी, आप आंकड़े की गहराई में जाइए। जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, हिंदू और सिख थे, आज 3.7% बच गए। कहां गए सारे? इतने सारे तो यहां आए नहीं। धर्म परिवर्तन हुआ, अपमानित किया गया, दुर्लभ दर्जे के नागरिक के नाते इनको रखा गया। कहां जाएंगे लोग? क्या देश इसका विचार नहीं करेगा? देश की पार्लियामेंट इसका विचार नहीं करेगी? देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने इनका विचार नहीं करना चाहिए? इसमें मैं बांग्लादेश की बात करता हूं जी। 1951 में हिंदुओं का प्रतिशत 22% था, मैं 51 की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश की 51 के आंकड़े हमारे पास है। 2011 की जनगणना में वो 10% रह गए। कहां गए वो लोग? अफगानिस्तान 1992 के पूर्व, मैं 92 के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध, लगभग 200,000 सिख और हिंदू थे और आज करीब 500 बच गए। क्या इन लोगों को अपनी बिलीफ से जीने का अधिकार नहीं है? वो जब भारत एक था तब हमारे ही थे, हमारे ही भाई है, हमारी ही बहन है, हमारी ही माता है। अगर यही थियोरी को आप अपना लो तो पार्टीशन के बाद इतने सारे शरणार्थियों को क्यों लिया? उसका भी तर्क लेंगे फिर तो। तो ये मैं पूछूंगी कि आपने कहा कि धर्म के आधार पर दूसरा मुल्क बना, पर वहां पर शिया और अहमदी, बलोच, ये भी तो प्रताड़ित है वहां पर। देखिए, वो प्रताड़ना आंकड़ों के आधार पर इतनी सिद्ध नहीं की जाती और पूरी दुनिया में ये सारा ब्लॉक मुस्लिम ब्लॉक माना जाता है। आप मेरी बात समझ कर चलिए। और शिया, अहमदिया, वो तो छोड़िए, मुसलमान को भी अधिकार है यहाँ एप्लीकेशन करने का। हमारे संविधान ने रास्ता खोला है, वो एप्लीकेशन कर रेफ्यूजी के तौर पर, ना रेफ्यूजी के तौर पर नहीं, नागरिकता लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत सरकार इनकी, भारत की सुरक्षा और भारत की बाकी सारी चीजों को देखते हुए उसका निर्णय करेगी। अच्छा, तो एक रास्ता किसी के लिए बंद नहीं है। ये स्पेशल एक्ट इसलिए बनाया है कि ये किसी भी वैध डॉक्यूमेंट के बगैर शरण में आए हैं, बॉर्डर क्रॉस कर आ गए हैं। तो अब आपने पोर्टल भी खोल दिया है, उसमें वो सारे डिटेल्स करेंगे, वो पोर्टल सुरक्षित है? और अगर किसी के पास दस्तावेज नहीं है तो क्या अब वो ना नागरिक है, ना माइग्रेंट है, ना रेफ्यूजी है, क्या बन जाते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जिनके पास दस्तावेज नहीं है इसका रास्ता हम बाद में ढूंढेंगे, परंतु जिनके पास दस्तावेज है वो मेरे एक रफ अंदाज से 85% से ज्यादा है। और कितनी देर लगेगी, क्योंकि उन्हें एक ओथ भी लेना पड़ेगा? हमने कोई समय मर्यादा नहीं रखी। अच्छा, आराम से सब लोग एप्लीकेशन करें, मैं सबको अपील करता हूँ, आप आराम से करिए। ये एप्लीकेशन देश की सभी भाषाओं में है, आपकी भाषा में आप डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो, और आपकी समय की अनुकूलता से भारत सरकार आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी और डॉक्यूमेंट की ऑडिट के लिए बुलाएगी। और वो फेस टू फेस इंटरव्यू होगा या फेस टू फेस होगा? फेस टू फेस, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आना पड़ेगा। और अगर वो सेकंड जनरेशन रेफ्यूजीज है, मतलब अगर उनके बच्चे हो गए हिंदुस्तान में, 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक जो भी आए हैं वो और उनके बच्चों का भारत में स्वागत है।
ठीक, मैं आपके आलोचक के जो कमेंट्स हैं उनको पढ़ती हूँ और आप बताइए. जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं वो कहते हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो अंधाधुंध लोग आएंगे, बीजेपी उन्हें नागरिकता देगी, उससे थेफ्ट, रॉबरीज, रेप बढ़ जाएगा. दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं. उनको मालूम नहीं है कि सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं. सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है. 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है, और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं? रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं. दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं. नौकरी का कहां सवाल है? वो ऑलरेडी यहां है. और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई. सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं. वो यही कह रहे हैं कि आप अपने नागरिकों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और इनको. सुमिता जी वो पार्टीशन के बैकग्राउंड को भूल गई हैं. शायद उनको जो निराश्रित आए थे, जो रेफ्यूजीज आए थे, इनके परिवार के साथ एक चाय पीनी चाहिए. अरबों खरबों रुपए की संपत्ति छोड़कर रेफ्यूजी बनकर यहां आए थे, दिल्ली के बाजार में सब्जियों की दुकान लगाई थी. मोदी जी ने विभाजन की विभीषिका का दिन मनाकर उसको हिस्ट्री का हिस्सा बनाया है. इन लोगों के मन में संवेदना नहीं है, वो समझते नहीं है वहां धर्म के आधार पर इनके परिवार की महिलाओं का गौरव छीना जाए, अपमानित किया जाए, क्या करेंगे वो? इनकी वेदना हम भी नहीं सुनेंगे. 50 में आ गए, 60 में आ गए, 70 में आ गए, 80 में आ गए, आज भी नागरिकता नहीं है. बच्चों को अस्पताल में दाखिला नहीं मिलता है, ढंग की नौकरी नहीं मिलती है. छुट भैया नौकरी करते हैं, अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्या गुनाह है उनका? विभाजन का फैसला उन्होंने नहीं किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था. और उस वक्त सबने कहा था कि जो आएंगे उसको हम नागरिकता देंगे. अब अपने वादे से मुकर जाना, मैं मानता हूं कि हमें तो कम से कम मंजूर नहीं है. इनकी संवेदनाओं को भारतीय जनता पार्टी भी महसूस करती है, इस देश के प्रधानमंत्री भी महसूस करते हैं, और हम मानते हैं कि इनकी ये 75 साल की वेदनाओं का अंत कभी ना कभी आना चाहिए, और ये चुनाव के पहले आ जाए वो ठीक है. ममता बनर्जी पे आती हूँ. चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि बीजेपी जो है ये हिंदू मुसलमान का खेल कर रहे हैं, और उन्होंने ऑडियंस को कहा कि आपकी प्रॉपर्टियां छिन जाएंगी, आपके बच्चों का एजुकेशन खत्म हो जाएगा, आपको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा, और डिटेंशन कैंप ऑलरेडी है, तो ये सीए के जरिए 15 से लेके 20 लाख लोगों की सिटीजनशिप छीन ली जाएगी. देखिए, मैं ममता जी को करबद्ध निवेदन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता हूं. पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है, प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का हित मत करिए. आप खुद बंगाली हैं, बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं इनको नागरिकता देने के लिए एक कानून है. ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से. वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है. ममता जी इसको मत रोकिए, करने जैसा काम है, घुसपैठ रोकिए. नहीं रोक रही है वो, नहीं कर रही, आप हमें कोऑपरेट नहीं कर रही. आसाम में कंप्लीट घुसपैठ रोक गया क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है. किस तादाद तक घुसपैठ हुआ है और कब से हो रहा है? देखिए, इसके अधिकृत आंकड़े जब तक राज्य सरकार कोऑपरेट न करे ढूंढना बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कलेक्टर के हाथ में पूरा मसनद. और डिटेंशन कैंप की बात, अगर वो दिन दूर नहीं है जी, वो दिन दूर नहीं है कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हम इसको कड़ाई से रोकेंगे. इसीलिए तो आपको चाणक्य कहते हैं पॉलिटिक्स. नहीं,
मैं मानता हूं कि अगर इसी प्रकार की पॉलिटिक्स आप करेंगे इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के साथ एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर घुसपैठ होने देंगे, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देने का विरोध करेंगे तो जनता आपके साथ नहीं रहेगी। ममता जी को शरणार्थी और घुसपैठिए दो शब्द के बीच का अंतर ही मालूम नहीं है या जान के नहीं कर रही। अब मैं तो जो बोलती है वो सच मानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मालूम नहीं है। डिटेंशन कैंप के बारे में बताइए, इसके बारे में बहुत गलत फहमी आ रही है। ऐसा है, आप स्मिता जी इतनी जागरूक पत्रकार है, देश की जानी मानी पत्रकार है, आप भी स्वयं एक बार CAA को पढ़ लेती, इसके रूल्स को पढ़ लेती तो मालूम पड़ता इसमें डिटेंशन कोई कैंप की प्रोविजन ही नहीं। जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, अगर उनको उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, उन्हें वापस अपने देश भेजने से पहले उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाता है। ये आपने डिटेंशन एरिया में, जेल में नहीं डाल सकते, ये आपने 2019 में मुझे समझाया था एक इंटरव्यू में। CAA में डिटेंशन कैंप नहीं है, इसी को लेकर मैं सवाल पूछ रही हूँ कि अगर CAA के तहत वो लोग नहीं आते तो वो कहाँ जाएंगे, क्या होगा उनका? नहीं, उनकी व्यवस्था होगी ना। 100 लोगों का प्रॉब्लम है तो उसमें से 85 का तो अभी क्लियर हो रहा है, बाकी का आगे सोचेंगे। तो कितने लोग होंगे आपके हिसाब से, लाखों में, करोड़ों में, हजारों में, कैसे, कितने लोग हैं? देखिए, ढेर सारे लोग हैं, इसके कोई गिनती नहीं है। वो जब एप्लीकेशन आएगी, और बहुत सारे लोग, ये जो मिस कैंपेन चल रहा है, अपप्रचार चल रहा है, इसके कारण शायद एप्लीकेशन करते हुए भी डरेंगे। मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पर भरोसा रखिए, आपको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सिटीजनशिप दी जाएगी। आपका अवैध तरीके से भारत में आना, ये शरणार्थी के रूप में आपको स्वीकृति कानून दे रहा है, इसका कोई क्रिमिनल केस आप पर होगा नहीं, और आपकी भारत में की हुई सारी एक्टिविटी को भी वैधता प्रदान की जाएगी। तो किसी को डरने की जरूरत नहीं। उनके पास एक्स्ट्रा राइट्स होंगे या इक्वल राइट्स होंगे या कम राइट्स होंगे? इक्वल राइट होंगे, वो भारत के नागरिक माने जाएंगे, मेरा और आपके जितना ही अधिकार उनका होगा। एक और बात थी, वो एक तो गलत फहमी, अप्रचार कहिए या जो भी है, या कंफ्यूजन ही कहिए, कि असम में CAA लागू होगा या नहीं होगा, और NRC और CAA, ये इनका क्रॉसिंग है कि नहीं, इंटर डिसिप्लिनरी? असम में जो NRC की ऑर्डर हुए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, इसका CAA से कोई लेन देन नहीं है। असम नहीं, देश के हर हिस्से में CAA लागू होगा, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के राज्य जहां पर दो प्रकार के विशेषाधिकार उनको दिए गए हैं, वो विशेषाधिकार के तहत जो राज्य आते हैं उनको ही CAA नहीं होगा। एक इनर लाइन परमिट का प्रोविजन है, और संविधान की 6th अनुसूची में शामिल जनजातीय क्षेत्र है। हाँ, वो जो 6th शेड्यूल में वो असम के कुछ, सॉरी, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके, राजस्थान के कुछ इलाके, हिमाचल के कुछ इलाके आते हैं उसमें, वहाँ नहीं लागू होगा, बाकी सब जगह लागू हो जाएगा। पर लोग नहीं जानते ना, क्योंकि कुछ साल वो यहाँ है, कुछ साल, और जो ट्राइबल इलाके हैं उनका जो कॉम्पोजिशन है वो बदलेगा नहीं CAA की वजह से, जरा भी नहीं बदलेगा। ट्राइबल कॉम्पोजिशन और उनके अधिकार को हम जरा भी डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। हमने एक्ट में ही प्रोविजन कर दिया है कि जहां पर भी इनर लाइन परमिट है और जहां संविधान की 6th सूची में जो क्षेत्र शामिल किए गए हैं, इन पर वहां पर CAA नहीं लागू होगा, और वहां के एड्रेस वाला एप्लीकेशन भी ऐप में अपलोड ही नहीं होता है, तो लागू होने का सवाल ही नहीं आता है। और एक्ट में ही प्रोविजन है, मगर हमने एप्लीकेशन में भी वो एरिया को एक्सक्लूड कर दिया है, कोई अप्लाई करेगा भी वो वहां से तो नहीं, ऐप ही नहीं खुलेगा, पर वो कहीं और जाके अप्लाई कर सकता है तो वो भारत के नागरिक तो बन ही सकते हैं। हाँ, अच्छा, ओके। वो संविधान की 6th अनुसूची में सुरक्षित क्षेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते, इनर लाइन परमिट से सुरक्षित क्षेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते, वो भारत के नागरिक बन ही सकते हैं। आपने कहा हर जगह लागू होगा, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों ने कहा है कि हम यहाँ पर लागू नहीं होने देंगे, क्या उनके पास ये अधिकार है कि वो लागू नहीं करने देंगे? वो भी समझ रहे हैं कि उनको अधिकार नहीं है,
हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद ने नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत की संसद को दिया गया है। एक केंद्र का विषय है, केंद्र और राज्यों का साझा विषय नहीं है। तो नागरिकता के बारे में कानून और कानून का इम्प्लीमेंटेशन, वो दोनों हमारे संविधान की 246/1 अनुच्छेद के माध्यम से इसको शेड्यूल 7 में डाला गया है, जो केंद्र की इसकी तमाम शक्तियां केंद्र को दी गई है। फिर जैसे वेरिफिकेशन वगैरह है, पूरा जो ग्राउंड पे तो चेकिंग होगी ना, वो सब तो स्टेट गवर्नमेंट ही करेंगे। क्या वेरीफाई करना है? पोर्टल के थ्रू वो तो इंटरव्यू में लेकर आएंगे कि मैं बांग्लादेश से आया हूँ, देखिए मेरा पुराना डॉक्यूमेंट है। और वो राज्य में नहीं होगा इंटरव्यू? इंटरव्यू राज्य में भी हो सकता है, भारत सरकार करेगी। तो कोऑपरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये करना ही होगा। मैं मानता हूँ चुनाव के बाद सब कोऑपरेट करेंगे। ये पॉलिटिक्स के लिए गलत प्रचार कर रहे हैं, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स। और क्या यहाँ मतलब बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जो शरणार्थी हैं, क्या वो तमिलनाडु में गए हैं? वहां पर मतलब स्टालिन इसको इतना बड़ा नहीं, मैं कोई पॉसिबिलिटी छोड़ना नहीं चाहता। एक भी है तो उसको नागरिकता देंगे। जी जयराम रमेश, कांग्रेस के नेता ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। शशि थरूर कहते हैं कि अगर कांग्रेस जीत जाती है इलेक्शन, या इंडिया अलायंस जीत जाती है, तो ये सीएए को रिपील कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, उनको भी मालूम है कि इंडिया अलायंस सत्ता में नहीं आना है। मैं आज आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ, सीएए के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है, इसको रिपील करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर स्थान ही न मिले, इस स्थिति होगी। और जहां तक असंवैधानिक होने का सवाल है, वो आर्टिकल अनुच्छेद 14 का हवाला देते हैं, वो भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 14 में दो अपवाद रखे हुए हैं। एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है, और दूसरा कानून के उद्देश्यों के साथ लॉजिकल संबंध होना चाहिए। तो वो आर्टिकल 14 का वायोलेशन नहीं करता है। इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है कि जिन लोगों पर भारत के पुराने हिस्सों में आज वो विभाजन के कारण देश से कटे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जिन लोगों पर धार्मिक प्रताड़ना होने के कारण जो भारत की शरण में आए हैं, उसके लिए एक कानून है। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है, और इसलिए ये पूरी तरह से संवैधानिक कानून है। एक और क्रिटिसिज्म है, महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो है उसकी सुनवाई अभी बाकी है, तो इतनी जल्दबाजी क्यों? देखिए, हर कानून को कोई सुप्रीम कोर्ट में स्टे करेगा तो कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने न्याय मांगने के लिए जाना और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देना दो अलग बात है। इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टे नहीं है, 4 साल से लोग गए हैं, अभी लंबित है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके इम्प्लीमेंटेशन पर कुछ स्टे नहीं दिया है। मैं महबूबा जी को पूछना चाहता हूँ, 370 पर 1951 में ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी हो गई थी, फिर क्यों इतने समय तक आप एंजॉय किए भाई? आप बताएंगे देश की जनता को? जब आपके पक्ष की बात होती है तब नैतिकता के पैरामीटर्स बदल जाते हैं, ऐसे नहीं होता है। देश का एक संविधान है, परंपराएं हैं, अदालतों की परिपाटी है, इसके हिसाब से देश चलता है। संविधान के बारे में बात करें तो यूबीटी जो ग्रुप है शिवसेना की, वो कहते हैं कि आपकी विफलताओं को छुपाने के लिए मेरा उद्धव जी से रिक्वेस्ट है कि कानून चाहिए या न चाहिए वो स्पष्ट करो पहले। क्या उद्धव जी बोल सकते हैं कि कानून नहीं आना चाहिए? मैं आज उनका आह्वान करता हूं, देश की जनता के सामने, महाराष्ट्र की जनता के सामने स्पष्ट करे कि सीए नहीं होना चाहिए। हिंदू शरणार्थियों को, बौद्ध शरणार्थियों को, जैन बौद्ध और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। एक बार उद्धव जी स्पष्ट करें जरा।
आपका इशारा बात आई वॉस आप कर रहे हो, टाइमिंग का सवाल, तत्व का क्यों चर्चा नहीं करते हो? आपका इशारा बाल ठाकरे की तरफ। नहीं, मेरा तो उनकी ओर है, बाल ठाकरे साहब तो अब रहे नहीं, वो स्पष्ट करे क्योंकि वो पहले ही बोलते थे जो नहीं पार्लियामेंट में भी बोले हैं। अब उनको अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स, इसलिए आज उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमारा डे वन से स्पष्ट स्टैंड है कि भारत के कटे हुए हिस्से से जो शरणार्थी आए हैं, ये तीन देशों से धार्मिक प्रताड़ना के कारण आए हैं, वहां के जो अल्पसंख्यक आए हैं उनको इस देश को नागरिकता देनी चाहिए। ओवैसी साहब पे आ जाती हूँ जो आपके हमेशा ही स्पीक्स अगेंस्ट यू, तो उनके बारे में वो खुलकर ही कह रहे हैं कि ये एंटी मुस्लिम है। क्या तर्क है आपका, एंटी मुस्लिम कैसे है कि आप सिर्फ मुसलमानों को एक उसको आपने क्राइटेरिया बना दिया, ये मैं वो कह रहे हैं। क्राइटेरिया ये बना है कि जिस पर धार्मिक प्रताड़ना होती है इसको देंगे, और अगर वो मुसलमान भारत के पुराने हिस्से से, मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती कि तीनों देश घोषित इस्लामी स्टेट है। कौन करेगा धार्मिक प्रताड़ना, कौन करेगा इस्लाम के अनुयायियों के साथ? ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट इनके नाम के अंदर है, इनके संविधान में है। पर आप, मैं फिर से वही पूछूंगी कि अगर आप ईसाइयों को दे सकते हैं, अगर आप पारसीज को दे सकते हैं जो इस्लामिक नहीं है, और अगर उन पर हो रहा है तो आप why can't you give it मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए ऐसे तो फिर दुनिया भर से देश में जो आए सबको नागरिकता दे, तो अमेरिका तो करता है ना सबको, हम भी करते हैं, अप्लाई करे वो, वो घुस कर नहीं आ सकते। उनको ऑफिशियल एयरपोर्ट से, ऑफिशियल पोर्ट से, ऑफिशियल लैंड पोर्ट से आने की परमिशन ही नहीं है, इसलिए बेचारे घुस कर आते हैं, शरण में आते हैं। अमित भाई, वो आपका एक वो इंटरव्यू बार बार लूप पे चल रहा है हर जगह कि क्रोनोलॉजी समझिए, सीए के बाद एनआरसी आएगा। देखिए ऐसा है स्मिता जी, सीए का कानून अभी चर्चा पर है, एक, इसमें एनआरसी का कोई प्रोविजन नहीं है, दो, इसमें किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रोविजन नहीं है, तीन, अगर विपक्ष को ये चाहिए कि उनसे चर्चा हो तो कोई भी कानून करने से पहले और बाद में संसद में चर्चा होती ही है, तो दोनों को मिक्सअप कर आप क्या लेना चाहते हो? अभी सिर्फ सीए चर्चा में है। जैसे सीए को इतना वक्त लगा, जिस तरह फार्म लॉज को रोल बैक किया गया क्योंकि सच अ लॉट ऑफ बैकलैश, तो क्या अगर इंटरनेशनल प्रेस में आने लगे और अगर यहाँ पर सड़कों पर लोग उतर आए तो क्या ये भी वापस ले लिया जाएगा? देखिए सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा, और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है, इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जब हम ट्राइबल एरियाज की बात करते हैं, अभी आपने कहा कि जो सिक्स शेड्यूल और जो 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 काउंसिल्स, ट्राइबल काउंसिल्स का एरिया था, वहाँ पर ये ऑटोनोमस काउंसिल्स जहाँ पर हैं वहाँ पर नहीं होगा, लागू नहीं होगा। इन एरियाज में जो है डेवलपमेंट होता नहीं है क्योंकि इतने सारे लेवल्स ऑफ गवर्नेंस होते हैं वहाँ पर। अब दो दशक पहले की बात कर रही हैं। हाँ, आज वहाँ जाकर आइए, मोदी जी ने पूरे नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट वगैरह, हाँ, एयरपोर्ट बना दिए, रेल पहुंचने को आ गई, रोड बना दिए, हर घर में बिजली पहुंच गई, शौचालय पहुंच गया, हर घर में स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंच गई, गैस का सिलेंडर पहुंच गया, शिक्षा की भी उच्चतम शिक्षा संस्थान आज नॉर्थ ईस्ट में एस्टेब्लिश हुए हैं। जो पोर्टल से जब इनको नागरिकता मिलेगी, इससे उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी? क्या आम नागरिक की तरह, या फिर जैसे उनको ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ सीएए के तहत हमको नागरिकता मिली है, क्या ये अलग आइडेंटिटी? ना, ना 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 ना, वो भारत के आम नागरिक की तरह ही भारत के नागरिकों की सूची में सम्मान के साथ समाहित हो जाएंगे, और उनको मेरे और आपके जितना ही अधिकार होगा, वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, एमएलए भी बन सकते हैं, एमपी भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार के मंत्री भी बन सकते हैं।
राहुल गांधी जो न्याय यात्रा में बार बार सीए भी उठा रहे हैं और बाकी विषयों पर भी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कभी सीए लागू कर रहे हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कांग्रेस में आपकी अच्छी खासी पहुंच है, इस विषय पर राहुल जी से एक बार चर्चा करके डिटेल पूछ लो जरा। वो चर्चा नहीं कर रहे ना, वो मीडिया को वहां पर कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो चर्चा नहीं करना चाहती क्योंकि वो हमारे हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारा मुंह बंद है। नहीं, मगर इस कमरे में बैठकर आपको इंटरव्यू करें सीए पर और समझाएं जो वो बोल रहे हैं, वो इतना समझा दे जनता को। राजनीति के अंदर आपके निर्णय को जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। जैसे मेरी सरकार का फैसला ऐसी है, इसके बारे में मेरी पार्टी के तर्क, मेरी गवर्नमेंट के तर्क और क्यों ये देश के हित में है मुझे समझाना पड़ता है। जरा राहुल गांधी जी आपके इसी कमरे में आकर देश को समझा दे के क्यों विरोध में है। आप कहते हैं कि ये राजनीतिक नहीं है, लेकिन आपके जो राजनीतिक स्पीचेस हैं तेलंगाना में आपने कहा, जब आप अपने वायदे गिनते हैं कि ये वायदे हमने पूरे किए, तो सीए भी उसमें है, तो इसमें राजनीतिक कहां से हो गया? तो फिर आपके वायदे, तो हमारा एक वादा था कि देश के अर्थतंत्र को सुधारेंगे, तो क्या अर्थतंत्र मत सुधारो, पॉलिटिक्स कर रहे हो, राजनीतिक कहां से हो गया? हम मानते हैं सीए देश के हित में है, इनका अधिकार है, इसलिए हमने दिया है, पॉलिटिक्स कहां से? वो भी कहना देना चाहिए, अगर राजनीतिक फायदा है तो उनको कौन रोक रहा है? पर सीए पे तो बहस हुआ नहीं ना, वो पास हो गया, उसके बाद पास कैसे हो गया? पार्लियामेंट में पूरी बहस करी हमने। तो अगर 400 सीट आते तो क्या वो फुल लाइसेंस हो जाता है कि आपके हिसाब से कि जनता ने कहा कि हमने आपको 400 सीट दिए, अब आप जो भी देश हित में समझे वो करते रहिए? ऐसे लाइसेंस जिन्होंने उपयोग करे, हमने तो कभी नहीं करे, हमने तो जनता ने जब जब आशीर्वाद दिया बड़ी जिम्मेदारी के साथ देश चलाया, चाहे अटल जी हो चाहे नरेंद्र भाई। इंदिरा गांधी ने एक बार लाइसेंस का दुरुपयोग किया था और फिर स्वयं चुनाव हार गई थी, तो इसका भी मैकेनिज्म पड़ा है ना। जो लाइसेंस का दुरुपयोग करेगा उसका भी मैकेनिज्म है, हमारे 5 साल के बाद पब्लिक के सामने जाना है, यहां समाप्त नहीं हो जाता है। ये आप कह रहे हैं, लेकिन जैसे फॉरेन मीडिया को अगर आप देखें, वो कह रहे हैं कि एक के बाद एक जो आपने किए, चाहे ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, सीएए हो। एक सेकंड, फॉरेन मीडिया को पूछे उनके देश में ट्रिपल तलाक है क्या? नहीं है। उनके देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या? उनके देश में एक भी स्टेट में 370 जैसा प्रोविजन है क्या? फिर हमारे में हिंदू लॉ भी तो है, सक्सेशन लॉ है, इसका नाम हिंदू लॉ है, वो देश का नागरिक कानून ही है। फिर मैं उसी सवाल पे आती हूँ, चाहे सीए हो, यूसीसी हो, या यूसीसी नहीं, सीए हो या फिर 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, ये सब आप आपकी मेजोरिटी की वजह से ये सब स्मूथली हो गया। अगर आप 400 लेकर आते हैं तो फिर तो कुछ और ही हो सकता है, इन द सेंस कि प्रीएम्बल तक आप बदल सकते हैं, सोशलिज्म हटा देंगे, हमारे सेक्युलरिज्म हटा देंगे। संविधान की रचना करते वक्त ये सारी चीजें बहुत सोच समझकर बनाई गई हैं। तो मुझे बताइए कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की पूर्ण बहुमत होती थी, इंदिरा जी की होती थी, राजीव गांधी को 400 सीट मिल गई, तो उस वक्त सब उचित था? नहीं था ना, इसीलिए तो उन्हें हटा दिया गया। तो हम भी नहीं करेंगे, उचित नहीं करेंगे, हम संयम नहीं रखेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, तो हमें भी बदल देंगे, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। देखिए, नरेंद्र मोदी के पास, इस देश के प्रधानमंत्री के पास 10 साल का ए ग्रेड पास्ट रिकॉर्ड है और 25 साल का प्लानिंग है। 25 और साल, 25 साल का प्लानिंग उन्होंने बनाया है कि 15 अगस्त 2047 को भारत पूर्ण विकसित भारत होगा, और उन्होंने पहली बार सरकार की मदद से नहीं, देश के 130 करोड़ लोगों को आह्वान लेकर संकल्प कराया है कि सभी लोग जुटे, और ये 25 साल भारत को महान बनाने के 25 साल है। और मुझे बड़ा गर्व है कि मेरे नेता के आह्वान पर पूरा देश आज इस संकल्प से संकल्पित होकर अमृत काल के लिए तैयार होकर खड़ा है। इसके साथ साथ इस देश में गुड गवर्नेंस, इस देश के अर्थतंत्र को दुनिया के प्रमुख अर्थतंत्रों में शुमार करना, दुनिया भर के टेक्नोलॉजी और आरएनडी के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना, भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना, भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को दुनिया के साथ और दुनिया से आगे ले जाने का प्रयास करना, ये सारी चीजें हमने करी है।
और ये भी हमारा एजेंडा है, मगर आप जब हमारे भाषण में से कुछ चुन लेती हो तो यही मुद्दे चुनती हो। अगर आप चुनाव जीतते हैं अगले 5 साल में एजेंडा क्या होगा? चलिए एजेंडा हमारा घोषणा पत्र आएगा, इसमें आ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संबोधन करू सीएए ने तेना अमलीकरण माटे माहिती आपी समग्र देशवासियों ने संबोधन करू। भाजपना एजेंडा पर स्पष्ट हता तेउ संबोधन में कह्यू तो सीएए जे कायदो लागू करवामां आव्यो छे कोने कोने लागू करशे अने साथे ज भ્રષ્ટાચારના આરોપના કારણે કેજરીવાલ ભાનપુર્યા છે તેવા અનેક પ્રહારો પણ કર્યા છે। તો હિન્દુ શીખ બૌદ્ધ શરણાર્થીઓને નાગરિકતા મળશે। અમિત શાહે મમતા બેનર્જી પર સીધો પ્રહાર કર્યો। વિપક્ષ પર કોઈ મુદ્દો અને કોઈ કામ નથી તેવું અમિત શાહે કહ્યું। બાંગ્લાદેશથી આવેલા બંગાળી હિન્દુઓને અહિત થઈ રહ્યું છે, સાથે જ મોદીની દરેક ગેરંટી માઇલસ્ટોન સમાન છે તેવું શાહે કહ્યું છે। અમિત શાહનું સંબોધન જેમાં સીએએ પર તેના અમલીકરણ પર માહિતી આપી। બંગાળમાં ભાજપની સરકાર આવશે એ દિવસો દૂર નથી તેવું પણ સંબોધનમાં કહ્યું। તો સીએએને કોઈએ ડરવાની જરૂર નથી, તો સીએએ જે કાયદો લાગુ કરવામાં આવ્યો છે તેને લઈને માહિતી આપી, અમલીકરણની માહિતી આપી। તો કોંગ્રેસ પર પણ આકરા પ્રહારો કર્યા હતા, અનેક લોકોનું ધર્મ પરિવર્તન કરાવવામાં આવ્યું છે, કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો પણ કર્યા। તો કોંગ્રેસ જે બોલે છે તે કરતું નથી, અમિત શાહે આકરા પ્રહારો કર્યા છે। તો સીએએ પર તેઓએ સંબોધન કર્યું જેમાં તેના અમલીકરણની પણ માહિતી આપી। આ કાયદો જે લાગુ કરવામાં આવ્યો છે કોને કોને કાયદો લાગુ પડશે તેની પણ માહિતી આપવામાં આવી હતી। તો હિન્દુ શીખ બૌદ્ધ શરણાર્થીઓને નાગરિકતા મળશે।